फाइनली होमलैंड का वीडियो आपके सामने आ चुका है। बहुत टाइम लगा वीडियो बनाने में, लेकिन आपको एक मिनट तो सुनकर जाना ही पड़ेगा। मैं नाराज़ हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले चीज़, न्यू होमलैंड ऑप्शन ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब पबजी मोबाइल में आप अपना खुद का घर बना सकते हो, अपने दोस्तों के जो घर बने बनाए हैं उनको जाके विजिट कर सकते हो। इससे आपको अचीवमेंट मिल सकता है, इससे आपको फ्री रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, प्लस आपको एक अलग इंटरेस्ट दे सकता है ये होमलैंड का फीचर। सो फाइनली आज मॉर्निंग में लॉन्च हो चुका है होमलैंड, किस तरह से आपको घर बनाना है एज अ बिगनर, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद और भी पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक कि आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को सेव करके एट लीस्ट स्टार्टिंग के 2 मिनट देख लेना, देन यू विल लव दिस फीचर। अच्छा जी, सबसे पहले बहुत सारे सवाल हैं, जैसे जैसे वीडियोज आगे जाएंगी वैसे वैसे आपका सवाल पूरा का पूरा, जितने डाउट है आपके मन में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शॉर्ट्स पर मैं बहुत सारे होम टूर्स देने वाली हूँ आप लोगों को, तो उसको देखते जाएगा। सबसे पहले आ चुके हैं लॉबी में। यहाँ पर आपको आकर के सबसे पहला काम आपको रिसोर्स डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। सही है जी, ये देखिए, और ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी सारे पार्ट्स देखते जाना, ठीक है? और ये बिगिनर वाला है तो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक वाओ का ऑप्शन आएगा। सही है जी, वाओ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा होम का। ये तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना होम का, अभी रुक जाइए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब ये कुछ फीचर है जो पबजी मोबाइल खुद हमें बता रहा है कि इस घर को जाके विजिट कर लो। अब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, अब आप जाकर देखोगे। यहाँ विजिट का ऑप्शन है, विजिट पर क्लिक करके देख सकते हो। ये फ्रेंड्स का है, आपके लाइक आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं पबजी मोबाइल में, उन्होंने अगर घर बनाया होगा तो उनके घर यहाँ पर शो हो गए होंगे, नाम के साथ नीचे लिखा हुआ है, आप विजिट कर सकते हो। रैंक है, रैंक में लाइक जिन लोगों ने इस घर में बहुत सारे यूसी लगाई है, यूसी भी लगा सकते हो, फ्री का भी बना सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री है कि लास्ट मैंने किस घर में विजिट किया था, कुछ फेवरेट्स अगर घर होंगे मेरे तो मैंने यहाँ पर फेवरेट करा दिए। अब मान लो मैं यहाँ फीचर वाले ऑप्शन में फर्स्ट घर पे विजिट करती हूँ, यहाँ पर आपको टिक करना है एग्री रीड एंड वो करके आप जो है ओके कर लो। ओके करने के बाद हम आ चुके हैं उनके घर में। ऊपर आपको उसके घर का नाम दिख जाएगा, जिसने भी ये घर बनाया होगा या जिसका भी ये घर होगा। नीचे वर्ल्ड चैट चल रही होगी। सही है जी, आपको वहाँ पर जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। इस घर के बारे में इसी चैट्स में बहुत सारे डिस्कशन हो रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप बुलाना चाहते हो किसी को तो आप बुला भी सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, यहाँ पर चैटिंग भी कर सकते हो दूसरे के घर में जाकर भी। चलो, अब ये तो चीज़ आपको समझ आई। अब हम ये रैंक वाले ऑप्शन पर चलते हैं और इस वाले घर को विजिट करते हैं। अब इस घर में बहुत सारे पैसे लगे, बहुत सारी यूसी लगी है, बाहर देख सकते हो गाड़ी पार्क की हुई है, ठीक है जी। ये देखिए, मेरा रिसोर्स डाउनलोड नहीं है इस वजह से आपको ये दिख नहीं रही गाड़ी की स्किन, अदरवाइज ये स्किन्स वगैरह है। घर में अंदर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पैसे पे लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप फ्री में भी ले सकते हो, वो हम आगे जानेंगे। स्टेयर्स का कलर देख सकते हो, वॉल्स का कलर देख सकते हो, यहाँ पर अंदर सोफे लगे हुए हैं, टाइल्स देख सकते हो, डोर देख सकते हो, बेड देख सकते हो, यहाँ पर अलमारी या ये सारी चीज़ें देख सकते हो। आप दूसरे के घर पे बेड पे जाकर सो भी सकते हो, यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन आएगा ना, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको ये घर अच्छा लगा तो आप इसको पॉपुलैरिटी देख सकते हो। यहाँ पर चिकन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी से कुछ भी पॉपुलैरिटी यहाँ पे शेयर कर सकते हो कि भाई आपको ये घर विजिट किया है तो आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे घर बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक छोटा सा मेरे ख्याल से गेट टुगेदर वाला रूम है, उसके बाद यहाँ पर एक और एक स्टेयर्स है, और यहाँ पर अभी बाकी है बनना, मतलब जैसे जैसे आप यूसी लगाओगे वैसे वैसे घर बनता जाएगा। अब आते हैं हम लॉबी में, अब चलते हैं वाओ वाले सेक्शन में, और ये होम वाला सेक्शन है, ठीक है? हम यहाँ विजिट करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर है एंटर माई होम, मतलब यहाँ पर अब आपका खुद के घर में आप जाओगे, ठीक है जी। ये आपका खुद का घर है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा एनिमेशन आता है, अब हम खुद का घर बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे आप एंटर करोगे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ये आपका एंटर करोगे तो मतलब अब आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? अब आप क्रिएट मोड पर आ चुके हो। सही है जी, लिखा आएगा ना छोटा 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 छोटा, तो समझ जाओ कि ये आपका घर है, आपने ये क्रिएट किया है। अब बाय द वे यहाँ पर आपको कुछ ही टाइल्स देखने को मिलेगी, घर काफ़ी छोटा है, जैसे जैसे घर बड़ा बड़ा बनाते जाओगे ना वैसे वैसे आपको अपग्रेड होते जाएगा। अब हम आते हैं लॉबी में, अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी सिंड्रेलाज होम एंटर माई होम का ऑप्शन आ रहा है। अब आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो। अब मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मुझे डायरेक्टली वापस से क्लिक करा रहा है कि आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप आ जाओगे यहाँ पर, अब इस एरिया में अब आप अपना घर बनाओगे। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली बैक वापस जा सकते हो। सही है जी, ये वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो। बाकी आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, हम एक एक करके वो सारे ऑप्शन जानेंगे। अब
देखो जी यहाँ पर ये आपको मैप मिल चुका है, ये आपको एरिया अनलॉक है। इसमें से कितने अनलॉक है वो देखिए, 6 टाइल्स आपको अनलॉक मिलेगी, पहली वाली, दूसरी वाली, ये अलग अलग टाइल्स है, ठीक है जी, इतने आपको अनलॉक मिल रही है। ठीक है, अब पहले हम जान लेते हैं कि इस पूरे स्क्रीन पर क्या है। जॉयस्टिक, ये आपसी मूवमेंट होगी, कैरेक्टर मूवमेंट है, ये आपका जंप, क्रोन, क्राउच एंड प्रोन, ये आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएगा, सही है जी। ये देखिए, ये दोनों, यहाँ पर आपको मैप मिल जाएगा, मैप क्लिक करके आपको एक एरिया मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना घर बना सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हो चुका है ऊपर का ऑप्शन, यहाँ पर वन नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पहली तो यूसी है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये आपके फ्री के कॉइन्स हैं जिससे आप सामान खरीदोगे, ये आपके एक्स्ट्रा वाले यूसी वाले कॉइन है इस घर को बनाने के लिए। अब ये वाले जो कॉइन है वो कम यूसी में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो दूसरे वाले कॉइन महंगे मिलेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। ये एक यूसी में आपको 10 कॉइन्स मिलते हैं और ये वाले महंगे मिलते हैं। ये आपकी कैरेक्टर आईडी है, यहाँ पर आप अपने घर का नाम रख सकते हो जो कि आप लेवल 9 पे रखोगे, सही है जी। अभी फिलहाल वही कैरेक्टर वाला नाम दे दिया। प्रॉस्पेरिटी है, मतलब आपकी इस घर में अभी कितनी चीज़ें लगी हैं, आप सब कुछ जीरो है, जस्ट बिकॉज हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कुछ बना नहीं हमारा, ठीक है जी। यहाँ पर आते हैं मैनेजमेंट में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर इन्वाइट फ्रेंड्स है, होम फ्रेंड्स है, तो सबसे पहले मैनेज पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, यहाँ से आप 50 रुपीज़ में अपग्रेड कर सकते, बट अभी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखिए स्क्रीन पर लॉक का ऑप्शन है, ठीक है, वो उतना अनलॉक होगा, यहाँ पर आपको इतने इतने रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपका घर अपग्रेड होते जाएगा, अपग्रेड होने के साथ साथ आपका एरिया अनलॉक होगा। ये जो स्क्रीन पे येलो मार्क नज़र आ रहा है ये आपका एरिया बढ़ा रहा है, मतलब आपके इतने एरियाज और बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप घर अपना अपग्रेड करते जाओगे वैसे वैसे आपको नीचे के रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, प्लस आपको कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे जिससे आपका फास्ट अपग्रेड हो जाएगा और आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो इस चीज़ से, तो वो तो बहुत बात की बात है। तो अभी हम लेवल 1 पर हैं, सही है जी। यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर आ करके कुछ और सेटिंग्स है जो आपको कर लेनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो लेवल 9 पे आप इसको चेंज कर सकते हो, जब आप लेवल 9 पर जाओगे तो। अगर आप फ्रेंड्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ फीचर्स वाले फ्रेंड्स हो जाएंगे, फिर नीचे आपको फ्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाएंगे, जिन लोगों ने फ्रेंड्स ने आपके घर बनाए हैं, रैंक वाला है, हिस्ट्री है, मैंने 2 घर विजिट किया है आपके सामने, उसकी हिस्ट्री आ चुकी है, फेवरेट है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो अब आपको यहाँ पर एक बेसिक ऑप्शंस में सेटिंग्स का ऑप्शन भी ऐड हो गया। अगर आप चाहते हो स्मूथ गेम प्ले तो आप स्मूथ कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, HD कर सकते हो, एक्सट्रीम का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो आप कर लो, बट मेरे हिसाब से स्मूथ करना तो लाइटली घर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप शेयर कर सकते हो अपने ये जो घर है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो डायरेक्टली। होम की गाइडलाइंस दी हुई है किस तरह से आपको करना है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। दूसरा ऑप्शन नेविगेशन का है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट होम पर जा सकते हो, ठीक है, विजिट फ्रेंड के घर पे हाउस पर जा सकते हो, चीयर पार्क में जा सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ से लॉबी में जा सकते हो। तो नेविगेशन ऑप्शन का समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपकी शॉप है, जो कि मैं आगे आपको चल के बताऊंगी, जो चीज़ें आपको खरीदनी है वो आप वहाँ से जाके खरीदोगे। एंटर वो चीयर पार्क में जाएगा, वो चीयर पार्क में वो आपकी एक शॉप है जहाँ से आप सारे सामान खरीदोगे अपने घर के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्क्रीन पे मार्क नज़र आ रहा है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली ये बनाने वाले स्टाइल पे आ जाओगे। मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिशंस दिए जाएंगे। ये देखिए अब हमें को एक एक मिशंस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ सेव करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैंसिल कर दो। मान लो मैंने कोई दीवाल खड़ी कर दी, तो अब चाहते हो दीवाल ना रहे तो कैंसिल कर दो। यहाँ पर इन लोगों ने मिशंस दिया है। पहला मिशन ये है कि आपको 6 टाइल्स एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के लिए ये टाइल्स है और ये आपको एक नया ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो प्लेस हो जाएगी। अभी ग्रीन नज़र आ रहा है, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है छोटा सा डॉट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे। जहाँ जहाँ डॉट लेके जाओगे वहाँ वहाँ पर चीज़ें आपकी बनेंगी। कैंसिल करना है ये डॉट, उस जगह पर लेके जाओ, कैंसिल हो जाएगी। सिंपल यहाँ से आपको प्लेस कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो जो चीज़ें आपने खड़ी की है डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। ये देखिए, ये मूव कर रही हूँ मैं जॉयस्टिक से, ठीक है, जॉयस्टिक से नहीं, आपको जो एरो बताई हूँ ना रेड कलर का, उससे मूव करूँ। ये देखिए, अब मैं मान लो ये वाली टाइल्स यहाँ पर लेके आ गई हूँ। अब मैं इसको ये वाले ऑप्शन को अगर क्लिक करूँगी तो वो लेफ्ट राइट मूव करेगी, बट अभी जस्ट बिकॉज हमारा स्क्वायर में है तो वो लेफ्ट राइट शो नहीं कर रहा है आपको।
तो वो जब आप कुछ और चीज़ लगाओगे ना तो उस पर इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, ये दबा दूंगी तो ये प्लेस हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन था कि हमें 6 टाइल्स लगानी है, पहला मिशन। अपने पास 6 टाइल्स अवेलेबल है तो हमें को 6 टाइल्स यहाँ पर लगा लेनी है। फर्स्ट वाली हमने प्लेस की, सेकेंड वाली हमने प्लेस की, ठीक है। अभी इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आएगा, रेड वाला मार्क वहाँ लेके जाओ, डिलीट कर दो। अभी मेरे पास कितनी है यहाँ पर, 8 टाइल्स है। पहली टाइल्स आ गई है, ठीक है, ग्रीन दिख रहा है मतलब यहाँ पर लग जाएगी। प्लेस हमने कर दिया है यहाँ से दबा करके, दूसरा प्लेस किया, चौथा प्लेस किया, फिफ्थ प्लेस कर दिया, सिक्स्थ प्लेस कर दिया। ये आपको समझ में आ गया, प्लेस किस तरह से करते हैं, यहाँ से प्लेस करते हैं। अब रेड ऑप्शन नज़र आ रहा है वो प्लेस नहीं होगा, ग्रीन आ रहा है मतलब प्लेस हो जाएगा। कट करना चाहते हो तो यहाँ से कट कर सकते हो। तो एक एक करके वो मार्कर लेके जाओ, ये जो रेड मार्क नज़र आ रहा है ये आपको उस जगह पर लेकर जाना है और उसको डिलीट कर देना है या वापस से प्लेस कर देना है, आपके ऊपर है। अब देखिए हमने 6 टाइल्स लगा दी है, अब आपको दूसरा मिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहला 6 टाइल्स का था वो लगा दिया हमने, अब दूसरा मिशन क्या है पहले उसको ध्यान से पढ़ लेते, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, we should decide on the location of the door first, in this way we may face the sea every day when we go out। ये लोग खुद से भी आपको ना ideas देंगे कि हम ना sea side दरवाजा open करेंगे। तो पहला है build door, दूसरा मिशन है, पहला 6 टाइल्स लगा दिया हमने, अब दूसरा मिशन से बिल्ड डोर्स। जैसे आप गो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे वो डायरेक्टली आपको डोर के वाले ऑप्शन पर लेकर आ जाएगा। ये देखिए ये डोर के ऑप्शन पर ला दिया, अब हमें यहाँ पर कुछ डोर्स पहले से मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमें डोर लगाना है, अब ये वाला ऑप्शन अगर आप क्लिक करोगे ना तो दरवाज़ा रोटेट हो जाएगा, मतलब अगर आप चाहते हो सामने वाला फेस नहीं रखना है, लेफ्ट राइट में रखना है, तो इसको दबा करके आप लेफ्ट कर सकते हो इस तरह से। अब मान लो मुझे यहाँ पर प्लेस करना है तो मैं प्लेस का ऑप्शन क्लिक कर दूँगी, सही है जी। अब मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, अब यहाँ पर मैं आती हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि समुंदर के सामने मेरा दरवाज़ा हो घर का, ठीक है। तो ये देखिए हमने ग्रीन ऑप्शन आ रहा है, प्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो बन जाएगा। प्लेस के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, इसको करूँगी तो ये देखिए एडजस्ट हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है, ये देखिए इस तरह से लेफ्ट राइट हो रहा है। तो हम यहाँ पर घर एक दरवाज़ा बना लेते हैं कहीं पर भी आप अपने हिसाब से। मैंने ये प्लेस कर दिया ग्रीन, दो दरवाज़ा हमें मिलेगा जैसे ही आप लाइक बनाना स्टार्ट करोगे तो। फिर दूसरा है बिल्ड विंडो, अब आपको थर्ड मिशन मिला है कि अब आपको विंडो लगानी है। गो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, विंडो वाले ऑप्शन पर जाओगे और यहाँ पर आपको अलग तरह की विंडो मिल जाएगी। अब आपको दो विंडो मिलेगी, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बाकी की विंडोज़ अगर आप लगाना चाहते हो तो किस तरह लगाओगे मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारी विंडोज़ है, एक ये वाली विंडो है, ये देखिए दो विंडोज़ मिलेगी आपको, प्लेस कर दो और अगर आप रिमूव करोगे तो बैकपैक में आ जाएगी। तीसरा चौथा मिशन है बिल्ड वॉल्स ऑन द रिमेनिंग साइड्स, अब आपको 3 दीवार लगानी है। विंडो तो हमने लगा दिया है, अब हम दीवार लगाएंगे। दीवार के लिए आपको नीचे ऑप्शंस पर जाओगे, गो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे सेलेक्ट भी कर लो वॉल का ऑप्शन कहाँ पर है। तो देखिए वॉल का ऑप्शन मुझे फाइंड, लेट मी फाइंड, ये देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको आगे आ जाना है, यहीं कहीं वॉल आपको मिल जाएगी। तो वॉल के ऑप्शन पर अभी सारी चीज़ें खाली नज़र आ रही है ना, जस्ट बिकॉज हमने कुछ परचेस नहीं किया है। तो अब इसको आप एरो पर क्लिक करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऊपर जाएगा, यहाँ पर वॉल मिल चुकी है हमें, ये देखिए 6 वॉल है, मतलब हमें कुछ घर ऐसा बनाना है कि 6 वॉल्स में आपका एक घर तैयार हो जाए। अब मैंने क्या किया, सिर्फ बता रही हूँ आपको कि आपको सिर्फ वॉल्स लगानी है। ग्रीन एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया ग्रीन, ये वॉल लग गई हमारी, ये देखिए इस तरह से वॉल लगानी है आपको, इस तरह से देखिए वॉल्स हमारी लग चुकी है। जस्ट बिकॉज हम जस्ट मिशन कर रहे हैं, अभी हम घर बना नहीं रहे, ठीक है। अभी हमारे को एक बची है, एक और यहाँ पर एडजस्ट कर लो, ये देखिए इस तरह से आप वॉल्स लगा लो। नॉट इनफ आइटम नज़र आ रहा है, किस तरह से आगे की वॉल्स आपको मिलेगी मैं बताऊँगी। एंटर द रूम एंड प्लेस फर्नीचर बेड, अब आपको रूम के अंदर जाना है और उसके अंदर एक बेड लगानी है। सबसे पहले आपको इस एरो पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्नीचर का ऑप्शन मिल जाएगा, फर्नीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बेड ढूंढनी है, बेड आ चुका है, ग्रीन कलर का दिख रहा है मतलब डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो, रेड आ रहा है प्लेस नहीं होगा। अब यहाँ पर एक स्वाइप का ऑप्शन आ रहा है जो कि मैं आगे बताऊंगी कि ये क्या है। स्वाइप बेसिकली आप बेड को आगे पीछे कर सकते हो, मतलब उसके बाद एंटर द रूम एंड प्लेस फर्नीचर लैम्प, अब मैं वो आगे बताती हूँ स्वैप वाला। अब आपको लैंप लगाना है, 5th मिशन है लैंप लगाना है, ठीक है। लैंप लगाने के लिए फर्नीचर वाले ऑप्शन पे जाना है, आपको थोड़ा सा रोटेट करना है, यहाँ से आपको लैंप ढूंढ लेना है। फर्नीचर पर गए, लैंप पर गए, ये लैंप क्लिक किया, अब हम इसको दीवार पर लगाएंगे ऑफकोर्स, ठीक है। ये देखिए हमने दीवार पर लगा दिया लैंप, यहाँ पर लगा दिया लैंप, 2 लैंप लगा दिया है, ठीक है जी। अब देखिए अब इसको कट कर सकते हैं, ये देखिए गाइस
अब ये एरो पर क्लिक करोगे ना तो ये पूरा एरो हट जाएगा, तो अब आपको अच्छे से स्पेस दिखेगा। स्वाइप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मान लो ये बेड है, पर मैं वापस से इसको अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कम्प्लीट द मिशन टू रिवॉर्ड टिल। अब आपने फर्स्ट मिशन कम्प्लीट किया, अभी और भी मिशन है। बिल्ड स्टेयर केसेस, ठीक है, वो पहला वाला पार्ट कम्प्लीट हुआ। अब आपको सीढ़ी लगानी है। सीढ़ी के लिए सेम प्रोसेस होगा, नीचे आपको जाना है, यहाँ पर स्टेयर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। अब ध्यान से देखिए, सीढ़ी आप ऐसे लगा दोगे, ठीक है, ग्रीन का ऑप्शन मिल रहा है, सीढ़ी लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ऊपर एक टाइल्स ज़रूरी है। ये जो मैंने ऊपर टाइल्स लगाई ना, येलो कलर का मार्क आ रहा है, वो टाइल्स ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पर सीढ़ी लगा दी है, ठीक है। अब देखो, सीढ़ी कभी भी ऐसी लगानी नहीं है, ये देखो, ये तो मैं डायरेक्ट गिर जाऊँगी, है ना। फिर यहाँ से ऐसे थोड़ी घर बनता है कि सीढ़ी यहाँ पर है फिर आप जंप करके जाओ, है ना, ऐसे नहीं होता है। तो ऊपर देखिए हमने टाइल्स लगा दी, अब सीढ़ी हम थोड़ा सा आगे करके लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सीढ़ी लगाएंगे, सब कुछ मैंने बताया है, प्लेस वगैरह वैसे ही करना है। अब देखिए, अब सीढ़ी से ऊपर आए, ऊपर टाइल्स मिली आपको, इस तरह से आपको सीढ़ी प्लेस करनी है। अब आप जब घर बनाओगे ना तो सीढ़ी ऐसे ही बनाना है। हम क्या करते हैं, दीवार में डायरेक्टली सीढ़ी लगा देते। कोई भी चीज़ आपने करी हो इसको सेव कर लो, सेव नहीं करोगे तो सब पानी में चला जाएगा। सेफ इम्पॉर्टेंट है। मोर का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आप देखो, आपको पूरा डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, पूरा रिसाइकल कर सकते हो। अब हम सेव कर चुके हैं। एक और एक ऑप्शन है होम अपग्रेड का, नेक्स्ट मिशन मिला है, अब आप अपना होम अपग्रेड कर सकते हो। मतलब सारे ट्यूटोरियल्स करने के बाद अब इन लोगों ने हमें अपग्रेड का ऑप्शन दिया है। अब लेवल 1 पर क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको अपना 50 लेवल का 50 रुपीज लगा करके आपको अपग्रेड कर लेना है। अपग्रेड करोगे तो एरिया अनलॉक हो जाएगी, थोड़ा सा और टाइल्स मिल जाएगी आपको 6 की जगह, और उसके बाद 2 दीवार दे देंगे ये लोग अलग से। फिर इसको कट कर दो, यहाँ पर कट का ऑप्शन आ रहा है। वापस से बिल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, हम वापस से बिल्ड वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद देखोगे अगर आप, अप्लाई मटेरियल्स, यहाँ पर अब जो है वापस से मिशंस दिया है कि अब मटेरियल्स लगाओ। मटेरियल्स में क्या है, यहाँ पर देखो अलग तरह की मटेरियल्स मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, मतलब आप पेंट कर सकते हो अपने दीवार को, यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर प्लेस करोगे। तो सबसे पहले देखिए एरो का, जहाँ पर एरो आता है ना, जॉयस्टिक, जहाँ जहाँ लेके जाओगे ना ये, वहाँ वहाँ ये प्लेस होगा। सेव का ऑप्शन है, ऊपर आप सेव कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, वॉल पेपर। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कम्प्लीटेड ऑल द होम ट्यूटोरियल्स, दिस हैज़ टेक योर होम फ्रॉम 0 to 1, यू कैन अनलॉक हायर अपग्रेड। अब यहाँ पर जब आप पूरा ट्यूटोरियल लोगे तो यहां पर कुछ खुद ही ये लोग घर बना बनाया दे देंगे। यहां से सेलेक्ट करके एंटर योर होम कर देना। बट मैंने घर बनाया नहीं है, मैंने वहां से सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने जो घर बनाया है मुझे वही वाला घर चाहिए। तो मैं यहां से क्या करूंगी, क्रिएट बिल्ड पर आऊंगी, ठीक है, अब मेरा यहां पर सेव कर दूंगी, ठीक है, ओके पर क्लिक कर दिया है मैंने। अब हम बिल्डिंग वाले फेस से आ चुके हैं बाहर। अब यहाँ पर आने के बाद अब आप कहोगे यार हमने तो घर बनाया था लेकिन घर तो शो नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए, प्लीज़ वेट अनटिल द बिल्डिंग जनरेशन यहाँ पर रिव्यू इज कम्प्लीट, ठीक है, अब हमें वेट करना है, ठीक है जी। कभी भी घर बनाने के बाद आपको वेट करना है, इंस्टेंटली घर नहीं बनता है, थोड़ा सा 2 मिनट आप दोगे तो फिर आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें बनी बनाई हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। 2 मिनट दे दो यहाँ पर, यहीं पे रह करके, एग्जिट मत होना, फिर आपका घर वापस से हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्लीज़ वेट अनटिल द बिल्डिंग जनरेशन रिव्यू इज कम्प्लीट। तो अभी ये रिव्यू हो रहा है, मतलब अभी घर बनानी है, बन रहा है, जो हमने बना चुके हैं ना वो अब सेव हो रहा है। यहाँ पर देखिए, बिल्डिंग हैज़ बीन अप्रूव, अब हमें अप्रूव हो चुका है। अब आपको क्या क्या करना है आगे चल के, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहला पार्ट हमने कम्प्लीट किया जिसमें मैंने सारे ट्यूटोरियल्स बता दिए हैं। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको घर बनाना है, एक सिंपल सा घर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स कैसे इकट्ठा कर सकते हो। इंस्टेंटली मुझे यहाँ पर 8000 कॉइन्स मिल चुका है, जहां से मैं यहाँ पर आकर के काफी सारे विंडोज ले सकती हूँ, बेड ले सकती हूँ, बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ से परचेस कर सकती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अभी आपको परचेस नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। बहुत सी चीजें यहाँ पर आपको डिस्काउंट पर मिलने वाली है, बहुत सी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली है, तो अगर आप परचेस कर लोगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो पार्ट 2 का वेट करिए, और जितना मैंने अभी आपको बताया है वो जा करके आप जरूर अप्लाई करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और देखिए इस बार की वीडियोस 19 मिनट की बन गई है, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छे से एक ही वीडियोज़ में सारे ट्यूटोरियल्स देने थे तो वो मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए। अगर आप यहाँ तक वीडियोज़ देख रहे हो तो ना आप ये वाली इमोजी कॉमेंट में सेंड कर दीजिएगा,
हंस मैं इसलिए रही हूँ, मैं बाद में बताऊंगी रीज़न मैंने इमोजी क्यों बोला है, जस्ट बिकॉज मैं फिर मैं समझ जाती हूँ ना कि आप यहाँ तक वीडियोस देख रहे हो। तो बेसिकली मैंने अभी पहली बार ये बोला है इमोजी सेंड करने के लिए, तो ज़रूर से आप सेंड करिएगा। सो हाँ, पार्ट टू में मिलते हैं, ठीक है? मैं शाम तक के अपलोड करूँगी, नहीं तो फिर कल सुबह आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।